पहले हम खेती करते थे अपने हिसाब से, जैसे बाजरा गेहूँ है, बरसाती है, तो उसमें इतना मुनाफा नहीं होता था, बरसात की कमी, पानी की कमी, बिजली का कनेक्शन नहीं था। तो उससे फिर मुझे करौली जाने का मौका मिला, मैंने वहाँ के 2 साल के बगीचा देखा, पेड़ उस पर काफ़ी अनार के फल थे। वहाँ से आने के बाद में शिखर से उद्यान विभाग से संपर्क किया, तो कम पानी में जो पैदा होने वाली फसल है अनार, इसका मैंने मानस बनाया। अधिकारियों ने मुझे पूरे तरह आश्वस्त किया और 2008 में मेरे को महाराष्ट्र से पौधम उपलब्ध करवाई अनुदान से, ड्रिप सिस्टम उद्यान विभाग से लगवाया। उद्यान विभाग की सलाह के अनुसार मैं अपने पूरी मेहनत से पानी, बिजली का कनेक्शन था नहीं, डीजल इंजन से मैंने ये तीन साल तक इनको सिंचित किया। तीसरी साल मैंने पहली फसल ली। जो भी समस्या आई, अधिकारियों के संपर्क में रहता रहा, उद्यान विभाग के संपर्क में रहता, कई बार समस्या आई लेकिन अधिकारियों ने हमेशा हौसला बढ़ाया, ठीक है, या मेहनत करो, नई चीज़ है ना, तो हौसले के साथ हम काम करते गए और 2011 में पहली फसल ली। 3 साल से हम जैविक विधि से तैयार कर रहे हैं, जिसमें खर्चा कम है, थोड़ी मेहनत तो होगी लेकिन खर्चा बहुत कम है, रसायन का प्रयोग नहीं करते हैं अपन, नियम आग थोड़ा ये गड्ढे में तैयार करते हैं, साधारण सा मेहनत वाला काम है लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आता है इसका। ये तो किसी भी पेड़ के ऊपर कोई रोग नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, पैसे की बचत होगी। तो ये भी है कि अपने जहर से थोड़ा निजात पा लें, इसकी तरफ भी काफ़ी कामयाबी मिली है। 2008 में हमने 1,08,000 की फसल बेची, जो भी अधिकारी आया उनको अच्छा लगा, अच्छा लगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे, और भी किसान प्रोत्साहित हुए और किसान भी आने के बगीचा जुड़ने लगे। अभी हर साल हमें जो भी समस्या आई उनका निदान करते हैं, अधिकारियों के संपर्क में आते, हर अधिकारी यहाँ आता रहा, उसे संपर्क में रहे और टाइम टू टाइम इसका काम करते रहे। उसका परिणाम यह हुआ कि आज शेखावटी में यह बगीचा पहचान बन गया। आज 25-30 किलो औसतन एक पेड़, 400 ग्राम औसतन साइज में अनार दे रहा है। आज 2.5-3 लाख रुपए की अनार बिक रही है मेरी, और फसल के हिसाब से अभी 220 पेड़ हैं, 110 की हम अगस्त में जो तैयार फसल होती है वो लेते हैं, और 110 की फसल लेते हैं अपन नवंबर में तैयार होती है, दोनों सीजन की फसल लेते हैं। एक अगस्त वाली 100 रुपये किलो में जाती है, नवंबर वाली 120 रुपये किलो में। उसके साथ पौध का भी हमारे इन्हीं पेड़ों के किसान आते हैं, फल दे के, तकनी दे के, कमाई दे के हमारी पौध 4-5 लाख रुपए की बिक जाती है। इसी के साथ बिल जो हमने अभी 80,000 के बिल बेचे हैं उसमें थोड़ी मेहनत कमी है। उसके साथ विभाग की सलाह के अनुसार, अधिकारियों की सलाह के अनुसार बगीचों का अवलोकन करके प्रशिक्षण शिविर में जाके कुछ अपना खुद के हिसाब से, या बीच में मौसमी का बगीचा लगा दिए पेड़ जो जगह खाली थी, तो आज ये मानिए कि चले कि पौध और फल से 10 लाख रुपए मैं कमा रहा हूँ,